पिछड़ो देश का आदमी दीवाना होगा एक बार फिल्म नाचने वाली श्रीदेवी दशेक मना पर है कोई दुबई के होटल में दारू पी के पानी में डूब के मर गई जना मेरा मोटा अखबार में टेलीविजन में 5-6 दिन तक हूं के अलावा खबर ही कुंदी खबर नहीं हूं पूरा देश शोक में डूब रहे है क्या ले डूब रहे भाई झांसी की रानी थी के बा या कोई आजादी की नींद रही थी बताओ क्या नाम का शोक मनाया गया। एक बार स्टार कलाकार जगह काल बिहार में भी प्रोग्राम था भगदड़ माझ की एक आदमी मर भी गया सपना चौधरी नाच नाच के हिसाब बावड़ा बनाया सहक मोबाइल मुंह का गाना लद दे दो एक साल पहले बाबी जहर खा गई जना 20-30 अपने जिले का छोरा भी खाट पकड़ ली बोलो भाई सपना ही मर जाएगी जना मैं भी जी के करांगा गैली सता वांगा। तो ये चरित्र हो गया सजनों अपने भारत देश के नौजवान का। इसीलिए चाहे कितना ही समझाओ अच्छी बातें असर नहीं करती हैं न्यावड़ी बात एक मेरली बात एक कई याद गुनी रहेंगी या नाच के टमक टमक नाचिए ना सारा का 6 दिन तक दिमाग में रहेगी। छोरो अहिया को नाच देखा पा घर 2-3 तो मंगलवार का व्रत करियो और बढ़िया सफर लगा के नायो नायो दिमाग आने रिफ्रेश होने वा गुजारो बहुत जोर की बात हो जाएगी। तो एक छोटी सी बात कह के मैं और एक छोटा सा भजन आप लोगों को सुनाऊंगा। अच्छा अच्छा 20 रुपए से स्वागत कर रहे हैं थली की डाणी से कि एक बार छोटी छोटी बात ध्यान से सुना बहुत सुंदर कार्यक्रम आपको दिखाएंगे लेकिन हम भी बुला लिए 50 किलोमीटर से चल के आ गए इसीलिए आपका धर्म बनता है सदनों एक बात मेरी पूरी सुना एक भजन ही गाऊंगा। कोई सेठ जी के ने कोई चौधरी साहब 85,000 रुपया उधारा ले लिया भगवान का करना है आज सेठ ने 7वें दिन ही कोई काला सांप खा गया और सेठ ने रेफर कर दिया झुन्नू चौधरी ने मेरा पटा सेठ हमारी आदरणीय नीता जी यादव हमारी गौशाला में एक ट्रक टूड़े का देकर जा रहे हैं गोपाष्टमी का दिन जोरदार तालियों से स्वागत नेताजी यादव का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने भी दान दिया है और ये गोपाष्टमी का बड़ा पावन पवित्र दिन है सज्जनों गऊ के नाम से गांधी जी कहते थे कि धन की 3 ही गतियां बताई हैं सज्जनों सबसे उत्तम गति बताई है दान उसके बाद है भोग उसके बाद है नाश दान आपसे जितना किया जाए उतना किया करो। तो मैं वो छोटी सी बात कह के भजन सुनाऊंगा कि चौधरी 50,000 रुपया सेठ के उधारा ले लिया सेठ ने काला सांप खा गया झुंझुनू रेफर कर दिया चौधरी ने मेरा पटे रहे सेठ के 50,000 रुपया उधारा लिया था उन्हें कालो सांप खा गो जुना सीधो बाला जड़ मंदिर में गयो हे बालाजी महाराज कहें भी करके सेठ की रांद काट दे 13,50,000 माफ हो जाओ कोई मंगनी ही को न्या। अब वह तो भाई जो भगवान ने मंजूर है बड़ो गांव वाला तो मिलके अमर चौधरी मिलन न गुंजा है और मिल क्या मुंह नहीं बुझा हर भया केदार सेठ को के डंगर है जना बोलो भाया कालो डंगा कालो सांप खाए कि मैं गड़बड़ भी उसके जना बड़ो चौधरी भीतर मनाऊ राजी और झूठी होठा के फेफड़ी लावा कह भाया बलो आदमी और आपका टाबरा में बैठे हो रहे तो बढ़िया रहे माई लमन नहीं सोते कि रांद कट जा तो बढ़िया रहे। अब वो सेठ जी 15 दिन में बिल्कुल ठीक होकर घर आ लिया है चौधरी मन में सोची मिलके आना पड़ेगा जना बड़ो अगले दिन गयो जाके बोलो राम राम सेठानी जी सेठानी बोली सेठ जी तारी क्या की राम राम मिला सेठ जी ने कालो सांप भागो ते मिलन जोगा भी कोने आया बोलो जी मेरी गलती को नहीं मैं तो रोते करने गेड़ो थो भैंस ले आम न गयो थो मन तो काल रात ने टाबरानी माँ बताई सेठ जी ने कालो सांप खागो ये बताओ के ढंग है जना सेठानी बोली जी टाबरा का बहागुर तमास्ती की दया हूँ एक बार तो बचका सेठ जी। अब चौधरी ने मेरा था तेरी क्या की दया है तेरी क्या की मेहरबानी है ते चाहिए बात हो ही गुनिया के चौधरी झाड़ा रही बोले सेठानी जी मारी तो क्या की दया है बस साला ने तो पेलड़ा सांप बचा ने वो साला पेलड़ो जहर बचो मैं बोलो बहन चो काला सांप को खेड़ो बाणियो बस थोड़ी जा बाणियो काला सांप ने देख के मर जा। तो जी भजना की तो वाह बात होगी न तो ये पुरानिया श्रोता बच्चा न पुरानिया गावणिया बच्चा से न जी टमक टमक चाहे अब यो किता दिन साल लगो तब जानो यो जाखो दियो तो बड़ा सत्संगी गांव था सजनों लेकिन आजकल वक्त के हिसाब से चलना पड़ता है एक भजन छोटा सा।